हे बडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय गो टू पार्टी मेकअप लुक फॉर माय अंकल्स हल्दी पार्टी। तो चलो देखते हैं कैसे किया मैंने ये। सबसे पहले हम अपने स्किन को करेंगे प्रेप, बट उससे भी पहले मैं अपने नेल्स को कर रही हूँ प्रेप, ठीक है, क्योंकि नेल्स बहुत ही अजीब लग रहे थे। और आप ये देख रहे हो, ये मुझे ना चोट लग गई थी यार, और इतनी ठंड थी ना इस टाइम पर कि नेल्स एंड हाथ पूरा ड्राई होके रखा था, और मुझे ना ये वाला नेल पॉलिश भी ट्राई करना था। तो सबसे पहले हम अपने फिंगर्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर निविया का क्रीम यूज़ किया है मैंने, एंड मैंने अपने लेफ्ट हैंड में तो लगा लिया था, बट राइट हैंड में, ओ माई गॉड। देन आई अप्लाइड दिस लिप बाम माई लिप्स। उसके बाद मैंने राइस वाटर से, जो कि होममेड था, उसको ही एज अ टोनर अप्लाई किया, एंड देन थोड़ा सा सीरम, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। एंड दिस डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर, जो कि मुझे ठीक ठाक लगा। मेरी ड्राई स्किन थी, बट स्टिल ये सूट नहीं कर रहा था, मेरी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन हो के रखी थी। अब जो भी रीज़न हो, आपको मॉइस्चराइज अच्छे से अपनी स्किन को करना होता हैवी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो आप, बट इतना भी नहीं कि आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल लगे, तो ये मुझे सूटेबल लगा। अब क्योंकि दिन की पार्टी है, तो मैं यहाँ पे सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करूँगी, इसको भूलना मत। मैं बहुत ही ज़्यादा मिनिमल मेकअप करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी, और अभी मॉर्निंग है तो मॉर्निंग के हिसाब से ही मेकअप करेंगे। बहुत ज़्यादा शिमरी या नहीं, मैं थोड़ा मैट मेकअप करना चाहती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर हम आज बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेंगे तो ऑब्वियसली शादी वाले दिन तक मेरी चेहरे की बैंड बच जाएगी, तो हम उस हिसाब से आज मेकअप करेंगे। फॉर माई बेस आई एम यूजिंग दिस बीबी क्रीम एंड स्ट्रोक क्रीम। मेरा ना फाउंडेशन यूज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो मैं ज़्यादातर स्ट्रोक क्रीम और बीबी क्रीम को मिक्स करके ही उसे अपने फेस पर लगा लेती हूँ। वीडियो में आ रहा है। और फिर एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से इसको सेट कर लिया है। देखो, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा ब्रश मारना होता है आपको, फिर आईब्रो पेंसिल से आईब्रो सेट करो, एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का पैलेट। दिस इज़ लैक्मे पैराडाइज आई शेडो पैलेट, और पिंक कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा करूँ। उसके बाद क्रीम ब्लश मैंने यूज़ किया, ये स्विस ब्यूटी का था क्रीम ब्लश, इसलिए क्योंकि ठंड थी और स्किन ड्राई होकर रखी थी इसलिए, और ये बहुत ही मस्त शेड भी था यार ये वाला। आफ्टर डैट आई एम यूजिंग दिस NYB का आई लाइनर, और बहुत ही ध्यान से इसको मैंने यूज़ किया था, एक बार ख़राब होता तो खलास। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर यहाँ यूज़ किया था शुगर का, एंड मुझे ये हाइलाइटर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड आफ्टर डैट मैंने अपने आई लैशेज को हल्का सा कर लिया था, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मास्कारा का भी यूज़ किया था, ऑब्वियसली इसको नहीं भूल सकते, एंड वाइट काजल। उसके बाद मैंने उसके ऊपर ब्लैक काजल लगाया था, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से आई थोड़ी बड़ी लगती है। लिप बाम को पोंछा, फिर मैंने लिप लाइनर का यहाँ पर यूज़ किया, और फिर मैंने उसको भी पोंछा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा टिंट लग रहा था उसका, तो मुझे हल्का फुल्का सा चाहिए था। एंड देन मैंने लिपस्टिक यूज़ किया, एंड देन बिंदी। मेरी बिंदी कभी भी एक बार में सही से नहीं लगती, फिर भी मैंने इसको एडजस्ट वगैरह करके लगा लिया, एंड फाइनली वी आर डन विथ आर मेकअप। उसके बाद मैंने एक्सेसरीज़ पहना, मैंने ये नेक पीस मीशो से लिया था वो पहना, एंड ये रिंग्स एंड दिस रिंग, एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक।